अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमने 7th क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए हुए हैं एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए, बट ये बेसिक के एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एपीएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें और उनमें ये कहा जाता है कि 20% या 40% जीके का पोर्शन आएगा, मीन जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा, तो जनरल नॉलेज में आप लोगों ने कंप्यूटर, इंग्लिश, बेसिक मैथ, साइंस, इस्लामियात, उर्दू, ये सारे के सारे पोर्शन आप लोगों ने कवर करने होंगे। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, आज हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बेसिक एमसीक्यूज़ देखेंगे। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आज हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, दैश हेल्प द यूज़र टू प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन विजुअली इन एन इंटरेक्टिव वेज। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करने के लिए हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, वो होता है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है, देयर आर दैश टाइप ऑफ द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की कितनी टाइप्स होती है? मल्टीमीडिया की 5 टाइप्स होती है, जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स एंड द साउंड इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी, साउंड एंड एनिमेशन, ये सारी की सारी किसके अंदर यूज़ की जाती है? मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है डैश। अब ये जो हमने 5 इसकी टाइप्स के नेम पढ़े हैं, हम अब इनको नीचे 1 by 1 भी डिफाइन करेंगे ये कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, तो आप लोगों ने इनको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है कि डैश इज एन आर द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स। अब ये देखें, लेटर्स एंड नंबर्स के कम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं? टेक्स्ट कह देते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद वीडियो आएगी। तो अब ये देखें, हमने इसको 1 by 1 सबको डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट है, अ सीरीज ऑफ द पिक्चर्स एंड डिस्प्लेस्ड द वन आफ्टर वन। पिक्चर्स को अगर 1 by 1 अगर प्ले कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? वो वीडियो ही बन जाती है, खुद ब खुद जो चल रही होती है। जैसे हम आजकल सेल में भी एडिटिंग कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स की। नेक्स्ट है, अ वेव और अ वाइब्रेशंस विच कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमन। वो वाइब्रेशन जो इंसानी कान सुन सकता है उसको हम क्या कह देते हैं? साउंड कह देते हैं। नेक्स्ट है, अ टेक्निक टू क्रिएट अ मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट। वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को मूवमेंट दे देते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एनिमेशंस कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी कार्टून या कोई चीज़ भी बनी होती है वो क्या होती है? एनिमेशन ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस इज एन ऑल। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है? एक है पावर पॉइंट और दूसरी है एडोबी बी फ्लैश। नेक्स्ट देखते हैं कि पावर पॉइंट, एडोबी फ्लैश और द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अ सिंगल पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड टू बी द स्लाइड। एक अगर हम सिंगल पेज पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्लाइड कह देते हैं। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट ऑफ द स्लाइड बाई डिफॉल्ट फाउंड इज कॉल्ड ब्लैंक स्लाइड। उसके अंदर हम क्या कहते हैं? ब्लैंक स्लाइड कह देते हैं। नेक्स्ट है कि अ फाइल डेट कंटेन द प्री डिफाइंड सेटिंग ऑन विच द यूज़र कैन बी यूज टू प्रेजेंटेशन। वो यूज़र क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं? टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्यूज है, देयर आर दैश टाइप ऑफ द टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। 1 है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट्स एंड ऑफिस टेम्पलेट। अब हम इनकी ही नीचे क्या करेंगे? 1 by 1 इनके हमसे क्यूज इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, द टेम्पलेट्स आर प्रोवाइडेड बाय द पावर पॉइंट आर कॉल्ड टू बी द इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट है, द टेम्पलेट्स डैट आर यूज टू क्रिएट एंड सेव। जिसको हम खुद क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? माई टेम्पलेट्स कह देते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है जी? नेक्स्ट ये नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टेम्पलेट डैट आर यूज डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिस वेबसाइट इज कॉल्ड टू बी द, जो ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है हम उसको क्या कह देते हैं? ऑनलाइन टेम्पलेट्स कह देते हैं। नेक्स्ट है, अ डैश कंटेन्स द प्री डिफाइंड सेटिंग ऑफ फॉन्ट कलर एंड इफेक्ट्स। जिसके अंदर पहले से डिफाइन किया जा सकती है फॉन्ट कलर एंड इफेक्ट्स, उसको हम क्या कह देते हैं? थीम कह देते हैं। ये देखिए, थीम का ऑप्शन तो आप लोगों के मोबाइल में भी होते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी के कुछ भी, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं अपनी सेटिंग के अंदर जाके। कॉन्टेंट फॉर प्रेजेंटेशन कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ। कोई भी कोई प्रेजेंटेशन हो वो किसकी फॉर्म में होती है, वो किसके अंदर कलेक्शन की जा सकती है? उसके अंदर टेक्स्ट, वीडियो एंड इमेजेस, ये सारे के सारे मिला के हम किसी प्रेजेंटेशन को पेश कर सकते हैं। किसके थ्रू से? मल्टीमीडिया के थ्रू से। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ द इफेक्ट कलर्स इन बैकग्राउंड कलर्स एंड द अपीयरेंस ऑफ द पावर पॉइंट्स। कितनी टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कि ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल
टेक्चर फिल, सेकंड है, और तीसरा है कि पिक्चर फिल। ठीक है, ये तीन तीन किस्म के क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स इस एन आर कम्बिनेशन हो, अगर डिफरेंट कलर्स का तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम कहते हैं कि ग्रेडियंट। अगर वो कम्बिनेशन है किसका, कलर्स का, उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट कह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि द आर डैश इज़ ऑलरेडी रेडी मेड एंड प्री डिफाइंड डिज़ाइन ऑफ अ स्लाइड इज़ कॉल्ड विदर, जो भी कोई पहले से डिफाइन की जाए चीज़ों को उसको हम क्या कह देते हैं कि स्लाइड लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट है कि आल स्लाइड लेआउट कंटेन द बॉक्सेस विद द डॉटेड बॉर्डर्स इज कॉल्ड टू बी द डॉटेड बॉर्डर्स को हम क्या कह देते हैं, प्लेस होल्डर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएटिंग द 2D एनिमेशन फॉर यूज इन अ वेब पेज। 2D एनिमेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट भी है, उसको हम कहते हैं फ्लैश। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्लाइड्स क्रिएटेड इन द पावर पॉइंट एंड वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड टू बी द स्लाइड शो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट इसका कौन सा ये है, नेक्स्ट है इन विच टैब यूज टू फाइंड द स्लाइड ट्रांसलेशन एनिमेशन टैब। नेक्स्ट है डैश इज़ द की ऑफ क्रिएटिंग द न्यू स्लाइड इस पावर पॉइंट। न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल एंड, कंट्रोल एंड यूज़ करते हैं, उससे क्या हो जाती है, चीज़ क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब आप ये देखें कि हमने आज जो टॉपिक कवर किया है वो मल्टीमीडिया है, और आप लोग ये और इस 7th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक्स के, अगर आप लोग 4 से लेकर 10th तक की बुक्स भी कवर कर लेते हैं सारी की सारी, उनके ख़ासतौर पर हिस्ट्री, इस्लामियात और जोग्राफी, ये चीज़ें अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। और बेसिक मैथ, बेसिक मैथ मींस अगर 8th तक की मैथ, इससे ज़्यादा अगर आप मैथ भी ना करें, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं आप लोगों को ये साथ साथ इसलिए प्रोवाइड किया जा रही हूँ ताकि अगर आप लोगों के पास ये बुक भी नहीं है तो आप लोग MCQs इधर से कर लें और साथ साथ पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करते रहें, आप लोगों के बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अभी इसके 2 से 3 लेक्चर और अपलोड होंगे 7th क्लास के, उसके बाद ये 7th क्लास की बुक खत्म हो जाएगी, हम फिर इंशाल्लाह ताला 8th क्लास के MCQs स्टार्ट करेंगे और हम कंप्यूटर को 9-10 तक कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद कोई और बुक स्टार्ट करेंगे जिससे आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आप लोग भी मुझे बता दिया करें कमेंट्स में कि हम नेक्स्ट कौन सी बुक स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए मैं वही बुक स्टार्ट कर लूँगी। अभी हमारे वैसे इस्लामियत के MCQs भी रहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लामियत के MCQs भी क्या करें, कंप्लीट करें जल्द अज जल्द।